आज हम वेज मंचूरियन बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने लिया है आधा कैबेज। इसे हमने बारीक काट दिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 3 टेबलस्पून मैदा। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून शेज़वान और इसे खूब अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाना है जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं। देखिए इसका कितना अच्छा सा डो बन गया है। अब हम इसे चेक कर लेंगे, इसके छोटे बॉल्स बनेंगे या नहीं। देखिए अच्छी तरीके से बाइंड हो रहा है, इसके छोटे बॉल्स बन जाएंगे। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। सबसे पहले हम हाथों को ऑयल लगा लेंगे और बॉल्स बनाना शुरू कर देंगे, छोटे छोटे पोर्शन लेके। आपको जितने बड़े बनाने हैं आप अपने हिसाब से बना लीजिए। अब मैं सारे डो का छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। देखिए वेज बॉल्स बनकर तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हम इसे मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। वेज बॉल अच्छी तरीके से पक जाए तो हम फ्लेम को फास्ट कर देंगे निकालने से पहले, और इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक के इसे फ्राई करेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। ये कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है मंचूरियन बॉल्स पर। अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। हमारे मंचूरियन बॉल्स बनकर तैयार हैं। अब हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम ऑयल ले लेंगे 1 स्पून। अब हमें जो ग्रेवी बनानी है वो हम तेज़ आंच पर बनाएंगे। सबसे पहले हम डाल देंगे चॉप्ड गार्लिक, इसे थोड़ा अच्छी तरीके से गोल्डन होने देंगे। लहसुन का गोल्डन कलर हो चुका है। अब हम इसमें वेजेस डाल देंगे। गाजर लिया है मैंने 1, कैप्सिकम 1, ऑनियन मैंने आधा लिया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ज़्यादा नहीं हमें इसे चलाना है, इसे हमें सिर्फ 1 मिनट तक का चलाना है। हमें क्रिस्पी चाहिए ये सारी चीज़ें। एक मिनट हो चुके हैं चलाते हुए। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक।
नमक थोड़ा सी कम डालेंगे क्योंकि सॉस में भी नमक होता है। अब हम इसमें सॉस डाल देंगे, शेज़वान सॉस डालेंगे 2 टेबलस्पून और टमाटो केचप डाल देंगे हैं 1 टेबलस्पून और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम ज़्यादा सॉसेस नहीं डालेंगे, बस यही 2 सॉस डालेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, तेल साइड से छूट चुका है। अब हम इसमें स्लरी डालेंगे। स्लरी बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और 5 टेबलस्पून पानी डाला है। स्लरी को हम अब इसमें डाल देंगे और खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें और 2 टेबलस्पून पानी डालूँगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ठीक ग्रेवी बनकर तैयार है। अब हम इसमें मंचूरियंस बॉल डाल देंगे और मंचूरियन बॉल को ग्रेवी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। वेज मंचूरियन बॉल्स अच्छी तरीके से ग्रेवी में मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे स्प्रिंग ऑनियन और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। टेस्टी वेज मंचूरियन बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरे चैनल को।